खुशबू आई ते बीवी नूं डांट के पुछया क्या बैतुल माल दा कोई सेब साडे घर ते नहीं आ गया। बीबी ने हाथ जोड़ के अर्ज़ की नहीं, मां ने दुखड़ा सुनाया ते आख्या खलीफे दी बीवी हां, खानदानी शहजादी सां, एक सेब बच्चे ने मंगया ते मेरी जितनी औकात नहीं कि पुत्र नूं सेब खिला सका, हमसाई को पैसे उधार लैके पुत्र नूं सेब मंगवा के खिलाया। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज शहजादे सन आप भी, पर हुन खलीफा बने ते अजीब जिंदगी गुजार लेना, रो के फरमान लगे मैं तेरा दुखड़ा समझना पर मैं अपनी औलाद नूं हराम नहीं खिला सकता, मैं नहीं अपनी औलाद नूं हराम खिला सकता। ओ उमर बिन अब्दुल अजीज आप ते घर विच कई कई दिन फाका कर देने, इतना माल खजाने च जमा हो गया कि आपने एक दिन वजीरा नु बुला के पूछा कि इतनी दौलत इकट्ठी हो गई इन्हों कित्थे खर्च करिए, काम सारे हो गए, गलियां बन गई, बाजार बन गए, लोग अमीर हो गए, खजाने च दौलत बड़ी है, हुण की करिए। किसे मशवरा दिता इंज करो कि जिन्ना उत्ते कर्जा है ना उन्हां दा कर्जा हुकूमत वालों अदा कर दिता जाए। आपने पूरे मुल्क च ऐलान कर दिता जेड़े मकरूज ने सारे आ जाओ, सारे मकरूज इकट्ठे हो गए, फरमाया हुकूमत वालों इन्हां सारे दा कर्जा अदा कर दिता जाए, कर्जा अदा कर दिता ते दौलत अजे भी बड़ी, इकट्ठिया करके फरमाया इंज करो हुण जेड़े मुल्क च कमारे ने ना सारे दी शादी हुकूमत वालों करा दे, हुकूमत दे खर्चे ते सारे कुंवारे दी हुकूमत दे खर्चे ते शादी हो गई, फिर भी हुकूमत दा खजाना ना मुके। आपने फरमाया इंज करो हुण फिर खजाना कित्थे खर्च करिए, लोग मशवरे देते, आप सारे काम कर दे रहे, सारे काम हो गए, खजाने च दौलत फिर भी मौजूद है, हुकूमत वज़ीरा ने अर्ज की हुण की करिए। आपने फरमा जितने पैसे हुण बच गए ने ना सारे दे दाने ते गंदम खरीदो, गरीबां च वंड दिओ, गंदम वंड दित्ती गई फिर भी बच गई, अर्ज की हुण की करिए। फरमाया गंदम उठाओ ते जंगलां ते पहाड़ां विच सट्टो, मेरी हुकूमत च को परिंदा भी गुजरे भुखा ना गुजरे। फरमाया मेरी हुकूमत को परिंदा भी भुखा ना गुजरे। आसन मुसलमान हुक्मरान आसी खिलाफत राशिदा मौला अली उल मुर्तजा शेरे खुदा हैदर करार बाजार च गुजरे ते दो सूट ले, किन्ने दो सूट खरीदे, एक महंगा ते एक सस्ता। मौला अली दा सूट जड़ा हुंदा सी ना बड़ा भी हुंदा सी ना जड़ा बड़ा कीमती हुंदा सी, दो तीन आने दा हुंदा सी, आने पुराने ज़माने, दो सूट खरीद के लाए, एक महंगा ते एक सस्ता, ते सस्ता अपने लिए रखिया ते महंगा गुलाम नूं दे दित्ता। उन्हें अर्ज की मैं गुलाम हाँ, तुसी आकाओ महंगा तुसी रखो, मैनू महंगा दे रहे हो आप सस्ता पे रख दो। आपने इरशाद फरमाया कि मेरा सस्ते नाल भी गुजारा हो जाता है, तू महंगा पहने आकर। और यार हजरत उस्मान ने गनी दी अल्लाह ताला ने लोगों को अमीरां वाला खाना खिला के ते आप भुखे घर आ जाते सन, घर आके जैतून विच नमक घोल के ना उहदे नाल रोटी खानी, लोगों ने पूछना लोगों को चंगा खिलांदे हो ते आप ऐ वाला, आपने फरमाया जिहड़ा मैं खादा कमली वाले ते आ भी नहीं सन खांदे हजूर ते आ भी नहीं सन खांदे। बाजार चक बीबी गई ना मिसाल मैं देना अक्सर, ते कपड़े दे दुकान ते जाके कहन लगी मैनू ना कुछ सस्ता जिहा कपड़ा दे दिओ। पुछया क्यों, आख्या मेरे पुत्र दी शादी है ते महंगे मैं खरीद लेने ते आ जिहड़ा सस्ता वो घर दा जिहड़ा ड्राइवर ते नौकर है ना उहनूं जरा सस्ता सूट देना पुत्र दी शादी दी खुशी विच। वह माई तो सस्ता सूट लैके टुर गई ड्राइवर वास्ते ते नौकर लई, थोड़ी देर बाद वही नौकर आ गया उस दुकान से, कहन लगा एक महंगा जिहा सूट दिओ। उन्हें आख्या क्यों, आख्या मेरी मालकन दे पुत्र दी शादी है मैं उन्होंने शादी से तोहफा देना है, वह महंगा खरीद रहा है ते मालकन उस नौकर लई सस्ता खरीद ली, मैंने सच्ची दस रुपुर तारण दे रहन वाले फिर गरीब कौन होया, वह मालकन गरीब है ना अंदरू गरीब है, वह गरीब है ना मालिक दे सस्ता गुलाम नहीं खरीदे ते गुलाम अपने मालिक लई महंगा खरीदे, पता लगया असल गरीब वो मालिक ने जड़ी अंदरों गरीब है। मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने रोगां विचों रोग जे डाटा जिसदा नाम गरीबी कंड वाला के लग जा देने
रिश्तादार करीब। महंगे कपड़े पाके कदे कोई अमीर नहीं बनिया, तन ते पोशाक पहन के कोई अमीर नहीं होंदा, खाने पेट च लजीज डाल के भी कोई सखी नहीं बनता। सखावत इन कहते हैं कि अपने घर तीन दिन का फाका हो तो बुए तो मंगता भी खाली ना जाए, सखावत कहते। हजरत उस्मान ने कहनी ना अपने गुलाम का एक दिन कन्न पकड़ के ना ते मरोड़िया, उन्हें को गलती की थी कन्न मरोड़िया। थोड़ी देर बाद एहसास होया तो गुलाम ने बुला के माफी मांग के फरमान लगे मेरा कन्न मरोड़। उन्हें अर्थ की तुसी खलीफा हो, मैं नौकर हाँ, तुसा कन्न मरोड़ लिया, तुहाडा हक है मरोड़ लिया। फरमान नहीं मेरा कन्न मरोड़। उन्हें ना हल्का जा पकड़ के इस तरह किया, फरमान नहीं जिमें मैं मरोड़िया सी उवें मरोड़। जिन्हां दी तरबीयत मुस्तफा की फरमाया उवें कन्न मरोड़। हजरत उमर फारूक ने ना एक दिन अपने गुलाम नू नमाज पढ़ता वेख्या, ते आपनू ख्याल आया ये नमाजी बंदा है ते अल्लाह की इबादत करता है, ते मेरे भी सारा दिन कम करता है। आपने उन्हें बुला के फरमा तू आजाद है, तू अल्लाह की इबादत करया कर, मेरे कम कोई होर कर दे, तू अल्लाह की इबादत करया कर। वो चला गया ना, तो बाकी नौकरों को पता लग गया कि जो नमाज पढ़े ना उमर फारूक उन्होंने आजाद कर देते हैं। वो सारे नौकरों ने सलाह कर ली, जो हजरत उमर फारूक ने गुजरना ना उन्हें ध्यान रखना, आपने गुजरते उन्होंने नमाज की नीयत कर लेनी। जिन्हें नौकर चाकर रखे उन्होंने पता है बड़िया चलाकियां कर जाते हैं। गुलाम ने ना नमाज की नीयत कर लेनी, आपने उन्होंने आजाद कर दिया। जिन्होंने नमाज पढ़ते वेखना उन्होंने आजाद कर देना। एक दिन एक वजीर ने अर्ज की, हजूर ये थानू दाल आते हैं तुम आते हो तो नमाज पढ़ने लग पाते कि नमाज पढ़ा तो आजाद कर देंगे। उमर फारूक ने फरमाया मैनू पता है मैनू दाल आते ने, पर दा कि चंगा है वह रब के ना ते दाल आई जाते हैं, मैं रब के ना ते दा खाई जाना। मैं रब के ना ते दाल आते मैं भी रब के ना ते दा खाई जाना। खोटे सिक्के भी रख लेने किसी देख देना क्या लोग तुम दाल आते हैं सरकार खोटे सिक्के दे जाने, तो नहीं पता खोटा तो खरा कि मैं पता खोटे ने फिर भी ले जाना। उन्हें अर्ज की खोटे सिक्के क्यों लेंगे हो, फरमाया मैं खोटे सिक्के लै लैना कयामत नूं रब नूं आखांगा या अल्लाह तेरे बंदयां दे खोटे सिक्के मैं लैंदा रहा, मैं भी खोटे अमल लैके आया, मैं कबूल करदा रहा, तू भी कबूल कर लै, इहदे सदके रब मेरे भी कबूल कर लवेगा। आओ वड्डे लोक सन जिन्हां दीआं गल्लां वड्डीआं, वड्डे लोक सन वड्डे कम कर गए। हजरत उमर फारूक दे घर ना खुशबू आई, हुण इह खुशबू माले गनीमत तौल के लोगां नूं बराबर तकसीम करनी सी। फरमाया मदीने की कोई औरत बोला जिन्हों तोलना ठीक आंदा है, तुसी सुभान अल्लाह घर जाके बोलियो साढ़े बेलियां दा पता की हाल है। ये दुकान तो रेडी तू गंडेरियां लैन ना किलो लैन वास्ते दो किलो चख जांदे ने, मूंगफली एक पा खरीदनी होवे ते अद्धा किलो वैसे ही चख जांदे ने रेडी तों, है ना, एडे सियाणे ने। पर आ मैं तेनों दसा जेड़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीन दे राखे सन। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया मदीने दी को बीबी बुलाओ जेड़ी खुशबू अच्छी तरह तोल सके। कोल बीबी बैठी सी आतिका उन्हां दा नाम सी, अर्ज करदी हजूर मैं अच्छी तरह तोल लैनी आ, मैं तोल के बंड देवांगी। फरमाया तू नहीं तोलना। हजूर क्यों, फरमाया तोल दे खुशबू जेड़ी तेरे हाथ नूं लग जानी है ना वो इजाफी होनी है, ओ वादू होनी है, ते मेरे घर में किसी गरीब तो ज्यादा खुशबू आवे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक दिन दूसरी बीवी ने खुशबू तोली ते गुजरे तो दुपट्टे चो खुशबू पई आवे, फरमाया खुशबू तेरे दुपट्टे चो क्यों आई। बीवी ने अर्ज की तोल रही सां तो जी हथा लग गई वो हाथ साफ किए स, दुपट्टा जोर ना खुसे ना पकड़ के खिंच के ते पानी को लागे गर्म पानी करके आप धोंदे रहे ते सूंघदे रहे जब तक खुशबू खत्म नहीं ना हुई। बीवी ने दुपट्टा नहीं दिता। आ उमर फारूक आ ने नबी दे खुलाफा आ सी उन्हां दी सीरत। नौजवानों मेरी मिल्लत है नौजवानों, एक एक गल कर अर्ज़ा ते बड़ा वक्त दूर हो जाएगा, बड़ा वक्त लग जाना है।
आओ आखिर ते हजरत सैयदना सुल्ताने बाऊ रहमतुल्लाह अलैह दे इक शेर पढ़ा। उस शेर च मैं सारी वंड करन लगा जिन्नी मैं हुण तक गुफ्तगू की थी। वैसे तो बड़ी लंबी सी मगर बकल ज्यादा हो गया। आरफां दे सुल्तान ने फरमाया अदी लानत दुनिया उत्ते ते पूरी दुनिया तारा जिन्ना राम मालिक दे खर्च ना की थी ओ लैन गजब दिया मारा पुत्र कुहावे पथ दुनिया मकारा उजना राम मालिक दे ए खर्च न कीती ओ लैन गजब दिया मारा ऊपर जिन्ना तर्क दुनिया दी लहसन बाग बहारा। नाराय तकबीर, नाराय रिसालत, नाराय तहकी, नाराय हैदरी। वक्त दा खलीफा सलमान बिन अब्दुल मलक काबे दा तवाफ पिया करे। करीब आके कह लगा तुसी उमरे फारूक दे पुत्र हो, हुण वक्त दा खलीफा मैं वां। हजूर तुहानूं कोई दुनिया की जरूरत होवे, कोई चीज़ की जरूरत होवे ते मैनूं दसो हजूर, मैं तुहाडी जरूरत पूरी कर देवां। तड़प जाओगे जुमला सुन के। हजरत सालम बिन अब्दुल्ला ने एक बार उहदे वल वेख्या ते एक बार खाबे वल वेख के फरमान लगे खलोता रब दे घरां ते मंगां तेरे कोलों, खलोता रब दे घर ते मंगां तेरे कोलों। ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤਵਾਫ ਕਰਕੇ ਕਾਬੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਹੀ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਓ। ਫਰਮਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਮੰਗਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਤ ਮੰਗਾਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਖਿਰਤ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਦੇ ਸਕਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਲਓ, ਕੋਈ ਮਾਲ ਮੰਗ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂ? ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਮੈਂ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਮੰਗਾਂ? ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਤਰਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬਾਹੂ ਉਹ ਹੀ ਲੈਸਨ ਬਾਗ ਬਹਾਰਾਂ ਹੂ। ਮੇਰੀ ਮਿਲਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਬੜਾ ਕੁਛ ਸੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਦੇ ਖੁਲਾਫਾ ਆਏ ਰਾਸ਼ਦੀਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਬ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਸੁਣਾ ਦਈਏ ਜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉ ਤੇ। नबी पाक जंगे उहद च गए ना ते एक सहाबी शहीद हो गए जिन्हां दा नाम सी हजरत मालिक बिन सीनान रदी अल्लाह तआला। हजरत अबू सईद खुदरी दे वालिद आप दी इक छोटी जी बच्ची सी जिहड़ी मदीने दे बाहर खड़ी। सहाबा जदों शाम नूं मैदान चों जंग चों वापस मदीने आए ते बच्ची हर सहाबी नूं पुछे मेरे अबू कित्थे ने? तियां वाले बैठे हो, पुत्रां नूं भी उड़ीक हुंदी है पर तियां नूं जिहड़ी उड़ीक हुंदी है ना पियावां दी उह वख नहीं आउंदी। जेड़ा साहब भी आवे बच्ची पूछे मेरे बाबा किथे ने? अचानक हजरत उमरे फारूक दी सवारी आई। बच्ची कहन लगी उमर जी मेरे अबू किथे ने? आपनु पता सी ते बाबा शहीद हो गए ने। बच्ची दे सिर ते हाथ रख के फरमान लगे बेटी रोवी ना, तेरे बाबा मैनू नहीं पता किथे ने, मेरे पीछे उस्मान गनी पे आंदे ने, उन्हां कोलों पुछ लवी बाबा किथे ने। उस्मान गनी दी सवारी आई, कहन लगी उस्मान गनी मेरे अबू किथे ने? पता सी बाबा दे शहीद हो गए। बच्ची दा दिल ना तोड़िया, फरमाया बेटी मेरे पीछे
मौला अली पे आंदे ने उन्हां कोल पुछ लवी बाबा किथे ने मौला अली दी सवारी आई पुछ दिए मेरे अबू किथे ने आप नु पता सी दे बाबा शहीद हो गए ने बच्ची दा दिल ना तोड़िया फरमाया बेटी रोवी ना मेरे पीछे अबू बकर सिद्दीक पे आंदे ने उन्हां कोल पुछ लवी बाबा किथे ने हजरत सिद्दीक अकबर दी सवारी आई बच्ची कहन लगी अबू बकर जी मेरे अबू किथे ने आप नु नहीं सी पता दे बाबा शहीद हो गए ने सिर ते हाथ रख के फरमान लगे बेटी रोवी ना तेरे अबू मेरे पीछे पीछे पे आंदे ने इधर इजराइल रू लेके जा रहे उधर सिद्दीक दे लबां च निकल गया अबू पीछे पे आंदे ने अल्लाह ने फरमाया इजराइल रू वापस ले जाओ अर्ज की अल्लाह तेरा कानून बदल जाएगा फरमाया सादा कानून बदल दे बदल जाए यार दा यार झूठा नहीं पैना चाहिए पढ़िया करना है जिने आप दी कीती गुलामी रसूल अल्लाह हाथ चुके मेरे नाल जड़ा जड़ा गुलाम आए मिलके पढ़िए मेरे नाल है जिन्ने आप दी कीती गुलामी या रसूल अल्लाह है जिन्ने आप कीती गुलामी या रसूल अल्लाह फिर उस दे सुनो दे दे सलामी या रसूल अल्लाह हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुख्रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर फरिश्ते ओ सुनो दे दे सलामी या रसूल अल्लाह सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन फरिश्ते ओ सुनो दे दे सलामी या रसूल अल्लाह पाकिस्तान ते आलम इस्लाम ते अल्लाह निजामे मुस्तफा दा निफाज फरमाए सानू खुलाफाए राशिदीन दी जिंदगी तो सबक दी तौफीक अता फरमाए जनाब चोर साहब नु उमरे खिजरी अता फरमाए से तो आफियत आपदी सारी टीम नु अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान च रखे हमेशा आमीन व आखिर दुआया अन अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد و على ال سيدنا و مولانا محمد و صحاب سيدنا مولانا محمد و بارک وسلم الہی نبی پاک دا صدقہ ساڈی حاضرن قبول فرما دوست احباب نظام دین میں قدم سکھ نے حصہ لیا الہی تمام دی حاضری قبول فرما ساڈے تمام دے رزق حلال وچ کشادگی اور याद रखन दी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका उते मुल्क दे निफाज़ दे विच सानू तामन करन दी तौफीक नसीब फरमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका इस पूरी पस्ती उते अपनी खास रहमत दा नज़ूल फरमा बीमारां नू सेहत कामिल अजल नाफिया अता फरमा सानू पंज गाना नमाज बा जमात दी तौफीक नसीब फरमा हुज़ूर दी दुआवां दा सदका साडी दुआवां कबूल फरमा नबी पाक दे गुंबद खिज़रा दे बैतुल्लाह दी हर साल बार बार ज़ियारत हाज़िरी पूरा ते हज नसीब फरमा अहले सुन्नत व जमात दे सच्चे सुच्चे पक्के अकीदे ते सानू दुनिया कब्र हशर दा सलामती अता फरमा नबी पाक दी खुसूसी तवज्जो हाथ नसीब फरमा साडी हाजरी कबूल फरमा के जरिए निजात बना व उफवीदु अमरी इल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल मनो दोस्तो दामा ने आले रसूल व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क ही मुहम्मद व आलि सहाबी अजमईन बिरहमतिक या अरहमर रहीम।